जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम लाल कुर्ती में आज बाहर रबीउल की जो है सजावट देख रहे हैं। और देखें माशाल्लाह ताला इस वक्त लाल कुर्ती को बहुत प्यारो सजाया गया है। वाओ इट्स लवली। मेरे लेफ्ट साइड पे अभी आपको दिखाऊंगा मैं, बहुत खूबसूरत सजावट की है। और बाहर रबीउल को बड़ी अकीदत से मनाया जा रहा है, मोहब्बत के साथ। और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत है वो हर मुसलमान के दिल में रहती है। खुशी का दिन है, खुशी के दिन को जो है इज़्ज़त एहतराम इबादत के साथ मनाया जाए तो अल्लाह ताला भी हम सब पे मेहरबानी फरमाएंगे। तो ये जी हम इस लाल कुर्ती में आए हुए हैं। और इस दफ़ा जो है बारह रबीउल की जो यहाँ पे तैयारियाँ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा सजाया है इन्होंने। ये अभी थोड़ा सा एरिया आप देख रहे हैं सजावट का, भी हम आपको एक और साइड पे जाकर स्ट्रीट दिखाएंगे, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सजावट माशाल्लाह की गई है बाहर रबीउल की। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लाइटिंग हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह, अल्लाह ताला इबादत कबूल फरमाए। और जो मोहब्बत अपना दिखाई जा रही है यहाँ पे माशाल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाए। पूरा बाज़ार के अंदर जो है सजा हुआ है इस तरह से, इस तरीके से खूबसूरती से सजाया हुआ है लोगों ने। और माशाल्लाह ताला इस वक्त लाल कुर्ती बाज़ार सही अक्स मोहब्बत का नमूना पेश कर रहा है। थोड़ा सा एक टूर आपको दिया आज हमने लाल कुर्ती बारह रबीउल जो सजाया जाता है। इस साल थोड़ा सा अहतमाम में कमी रह गई, शायद कोरोना की वजह से भी इश्यूज हैं, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में बड़े इज्जत एहतराम के साथ बारह रबीउल का दिन मनाया जा रहा है। और आप लोगों के साथ छोटा सा हमने आज ये ब्लॉग शेयर किया। और बारह रबीउल की खुशियों में और इबादात में हमें याद रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ और अपनों के लिए दुआ करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। उस टाइम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।